हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे। दोस्त, मैं आज अपने ससुराल आया हूँ और मैं आप लोग को आज दिखाऊंगा कि यहाँ का दृश्य कैसा है। यहाँ देखिए, हरा भरा मौसम है और यहाँ के लोग इतने अच्छे, देखिए कितने हरे भरे पौधे लगा के रखते हैं अपने अपने दरवाजे के पास में। और मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ के लोग छत पर भी खेती करना जानते हैं। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ छत पर क्या क्या रोप। ये देखिए, ये हरी मिर्चा है जिसको खाना में डालने पर टेस्टी मिलता है। और ये मकई का भी खेती है यहाँ पर। ये बड़ा बड़ा सा पत्ती वगैरह लग रहा है, जो उसमें ये नेनुआ बोलते हैं लेकिन दूसरे भाषा में इसको गलका बोलते हैं। उसके बाद ये बगल में देखिए अमरूद का पौधा है और ये बहुत बड़ा सिरस का पेड़ है। उसके बाद यहाँ पर सामने में यहाँ नीम के पौधा लौक रहा है। और यहाँ देखिए, ये सब्जी का खेती है। और यहाँ पर देखिए, ऐसे माटी भर करके हम लोग लौका भी उपजाऊ करते हैं। छत पर तो बहुत सारे, जिसके जब बहुत बड़ा छत होता है होगा उस पर आसानी से खेती होता होगा। सब्जी का खेती तो आसानी से लोग कर लेते हैं जिससे कि दिक्कत नहीं होता है। आजकल तो बाज़ार में सब्जी का महंगाई इतना बढ़ गई है कि लोग अपना घर पर ही सब चीज़ व्यवस्था करते हैं। तो यहीं आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए, इस गांव का नाम है श्रीरामपुर, जो कितने हरे भरे लग रहा है। ऐसा आप लोग गांव देखे नहीं होंगे कभी। तो मैं देखिए आपको दिखा रहा हूँ सगरों। देखिए, यहाँ मौसम्बी का पेड़ लगाया हुआ है। यहाँ पर देखिए, येलो कलर का फल इसमें लटका हुआ है। ये छठ पूजा वगैरह में काम आता है। यहाँ बहुत सारे फल लगा हुआ है जो आपको नज़र नहीं आएगा, उसके नज़दीक ले जाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करता हूँ। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।